क्या बोले? जोर से बोलो, पतंग के निशान को, पतंग के निशान को, मजलिस को। ये अच्छा है, ऐसा कहीं नहीं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गो, मैं फिर से आपको अर्ज कर रहा हूं, मैंने ये छोड़ दोस्तों अल्लाह का करम है, फिक्र की बात नहीं है। पार्लियामेंट में वजीर दाखला जनाब शाह मेरा नाम लेके बोले ओवैसी जी एनआरसी आएगा। बोल दिया उन्होंने, हम देख लिए ना, मालूम हमारा हमारा नाम लेके बोले थैंक यू। मेरे भाई एनपीआर एनआरसी के खिलाफ, एनपीआर सुनिए सुनिए, 10 मिनट रह गए खाली, 15 मिनट में खाली, 10 मिनट्स तो एनपीआर एनआरसी के खिलाफ। अच्छा उससे पहले हमारे को मीडिया के लोग बोले, अरे ओवैसी साहब जरा वो आरएसएस के उन्होंने बोले दो बच्चों के ऊपर कानून बनाने वाले, उन्होंने आरएसएस के कोई बड़े आदमी है कहते उन्होंने बोले कि दो बच्चों पे कानून बनाना पानी। मैं उनको ये बोल रहा हूं, मैं उनको ये बता रहा हूं कि आप भारत में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो किसी मुल्क में नहीं है। तो आप 5.5 साल में किसी एक को नौकरी नहीं दे सके, और इसीलिए आरएसएस के लोग बोल रहे, क्या बोल रहे, दो बच्चों का कानून बना दो। अच्छा दो बच्चों का कानून बनाए तो क्या होता है? नहीं क्या होता, नहीं होता क्या बोल रहा, दो बच्चों का कानून बनाना कहते भाई। भारत में जो 60% आबादी है, 60% आबादी 40 साल से कम उम्र की है, आरएसएस और मिस्टर मोदी उनकी सरकार नौजवानों को नौकरी देने से कासिर रहे, नौकरी नहीं दे सके। अब ये क्यों बोल रहे मालूम आपको, क्यों कानून बनाओ दो बच्चों का? इसलिए कि आज की रिपोर्ट है कि 2018 में हर रोज 35 बेरोजगार बच्चे खुदकशी करते थे। कितने? हर रोज 35 बेरोजगार बच्चे खुदकशी करते थे, और 36 जो खुद रोजगार का काम करते थे वो खुदकशी करते थे। अरे शर्म करो तुम लोग, हुकूमत में तुम हो, 35 बच्चे खुदकशी कर रहे हैं रोजगार की वजह से, 36 बच्चे खुदकशी करते रोज, रोजगार का नहीं मिल रहा बोल के, और तुमको दो बच्चों की पड़ी हुई है। अरे 36 को नहीं बचाए तुम, जो 36 बच्चे खुदकशी कर रहे इनको नहीं रोक सकते, इसीलिए बोल दिए तवज्जो हटाना। नहीं दो बच्चे, दो बच्चे, दो बच्चे, क्या का दो बच्चे, यहां बोर बच्चे हैं पूरे, समझे ना। अब दो बच्चों की बात जब करे, कितों के पास दो से ज्यादा बच्चे मेरे कहने हैं, मैं बोल रहा हूं, बीजेपी के लोगों के पास भी बहुत है, बहुत है उनके पास भी, मगर रोजगार नहीं दिए। मोदी साहब क्या बोले थे, साल में 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, मट्ठी दिए। नौकरी की बात करें कि क्या बोलते, नहीं ओवैसी भड़काओ भाषण देता, ओवैसी क्यों क्यों आने दे रहे। अरे तुम हुकूमत कर रहे, मैं नहीं कर रहा हूं, सवाल मैं तुमसे करूंगा, तुम जवाब देना, उसका जवाब नहीं। तो आरएसएस के मोहन भगवत साहब बोल दिए दो बच्चों का कानून बनाना, अरे तुम नौकरियां कितनों को दिए वो बोलो ना। 36 बच्चे 2018 में रोज खुदकशी किए, बताओ उस पर क्या कहेंगे आप? बताओ, एनसीआरबी का डेटा है, भारत में 60% आबादी 40 साल से कम उम्र बच्चों की है, उनकी बात नहीं करेंगे, उनको रोजगार की बात नहीं, बस इस पे लगा दी। तो हमारे मीडिया के लोग ये मोहन भगवत का बयान, ने दो बच्चों का कानून बनाएंगे। और एक बात सुनो आप, मुसलमानों में बच्चियां ज्यादा पैदा हो,
بنسبت سو پہ اگر آپ دیکھیں بنسبت دوسروں کے. ذرا یہ بھی کروں نا کہ کوئی روک رہا ہریانہ میں کیا ہوگا معلوم, ہریانہ میں بچے کم پیدا ہوگا, باہر جا کے شادی کرتے ہیں. یہ ڈیٹا ہے گورنمنٹ کا, یہ ڈیٹا, اس پہ بات کرو نا آپ, اس پہ نہیں بات کرتے. نہیں دو کرے تو, ارے میرے بھائی یہ جو تم پاپولیشن کی بات کر رہے ہو نا, آر ایس ایس کیا بولتی کہ مسلمانوں کی آبادی کو کم کرو, مسلمانوں کی آبادی کو کم کرنے کا طریقہ دو. ارے میرے بھائی مسلمانوں کا پاپولیشن آلریڈی کم ہو رہا, اور اگر یہ گروتھ ہمارا رہا بھی جو نہیں رہے گا تو 200 سال لگیں گے ہمارے ہندو بھائیوں کے برابر پاپولیشن ہونے کے, 200 سال لگیں گے. مگر ملک میں نوکریاں نہیں دیں گے. نوکریوں کی بات کریں تو دو بچوں کی بات کر دو, ارے سی ڈبل اے کی بات کرو تو گولی مار دو, این پی آر کی بات کرو, این آر سی کی جب بات کریں گے او ای سی کی بات کر دو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, بی جے پی ہر محاذ پر ناکام ثابت ہو چکی ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ہماری بھارت کی اکانومی بھی خراب سے خراب ہوتی جا رہی ہے. اور آپ اندازہ لگائیے نظام آباد شہر ایک بڑا شہر تلنگانہ کا, یہاں ایک بہت بڑی بزنس کمیونٹی رہتی ہے. میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ فیصلہ کرو, آپ نے بھی بی جے پی کو ووٹ دیا, کیا ملا آپ کو؟ ہندوستان کی معیشت بربادی کے دہانے پہ آ چکی ہے, کیا ملا آپ کو پوچھو. آپ مجھے ووٹ نہیں دیے کوئی پرواہ نہیں, مگر جس کو آپ نے ووٹ دیا اس کو نہیں پوچھیں گے آپ,